क्यों वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हमास के रॉकेट्स बैराज के बाद फेल हुआ। देखिए 7 अक्टूबर के अटैक्स में 20 मिनट के अंदर हमास ने 5000 जी हां 5000 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर ताके। इसके अलावा ये रॉकेट्स इजरायली एयर स्पेस में अलग अलग एंगल से एंटर हुए, जो ये शो करता है कि ये कोई ऑर्डिनरी टेरर अटैक नहीं बल्कि प्लान्ड बैराज था। हेंस ऐसे अटैक्स को रोकना रशियन S-400 और अमेरिकन मेड पैट्रियट मिसाइल के बस की बात नहीं। वहीं 70 किलोमीटर की रेंज के साथ आयरन डोम जो इनकमिंग रॉकेट्स को एसेस करता है कि वो पॉपुलेटेड रीजन की तरफ दागे गए हैं या अनपॉपुलेटेड रीजन की तरफ, और उसके बाद रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करता है। हेंस 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स जो अलग अलग एंगल से आ रहे थे उसके सामने 20 तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल की कैपेसिटी का सिंगल आयरन डोम ऑफ कोर्स फेल होना ही था। तो दोस्तों इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, क्यों आयरन डोम फेल हुआ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।